हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे जनकवि गिरदा के बारे में। गिरीश तिवारी गिरदा, इनका नाम आपने सुना होगा। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने काम किया, उत्तराखंड के जन आंदोलनों में जिन्होंने सक्रिय हिस्सेदारी ली, और एक बहुत बड़े जाने माने कवि, ठीक है, उनसे रिलेटेड। तो हम आज इनके बारे में जानेंगे, इनका पूरा का पूरा जीवन परिचय, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, जो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए एज ए उत्तराखंड में हम रहते हैं या भारत में हम रहते हैं। तो ये वो शख्सियत है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, जनकवि गिरदा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इनकी कुछ रचनाओं के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। एक वीडियो की कुछ लाइन आपको स्टार्टिंग में सुनाता हूँ और ये वीडियो लास्ट में प्ले कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए इसको मैं लास्ट में प्ले कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो लास्ट में हम ये वीडियो भी देख लेंगे एक। चलिए तो बात करते हैं गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा के बारे में, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। जन गीतों के नायक इनको कहा जाता रहा है। तो बेसिकली इनका जन्म जो है वो 10 सितंबर 1945 को हुआ था। लोग कई बार 9 सितंबर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कई जगह पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 9 सितंबर और 10 सितंबर में कुछ बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के अंदर, अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लॉक जो पड़ता है, वहां एक गांव है ज्योली। तो ज्योली गांव जो है वहां जन्म हुआ था गिरीश तिवारी गिरदा का। इनके पिताजी थे हंसादत्त तिवारी और माताजी का नाम था जीवंती देवी। तो ये ठीक ठाक आर्थिक स्थिति वाले परिवार से बिलोंग करते थे। अब ठीक ठाक आर्थिक स्थिति थी तो आरंभिक शिक्षा के लिए ही अल्मोड़ा आ गए और अल्मोड़ा से इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और अल्मोड़ा के बाद 12वीं की जो परीक्षा दी वो दी नैनीताल से, ठीक है, और नैनीताल से 12वीं की परीक्षा पास कर ली। तो कुल मिला के देखा जाए तो अल्मोड़ा और नैनीताल से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली और अच्छी खासी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और उसके बाद ये चले गए पीलीभीत, पीलीभीत के बाद बरेली, और बरेली के बाद फिर ये आए लखनऊ। तो लखनऊ और अलीगढ़ के दौरान इन्होंने जो है रचना करना शुरू किया या कविताएं लिखना शुरू किया, रिक्शा चलाने का काम किया। तो वहां कुछ वामपंथी या आप कह सकते हैं लेफ्ट विंग वाले जो हैं उन मजदूर संगठनों से मिले, लोगों से मिले, और जब वहां गए तो थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ, वामपंथ की तरफ झुकाव बढ़ा। गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का जो दर्द है वह समझने की कोशिश की, वह समझे, और उसके बाद जो लिखना शुरू किया वो लिखना शुरू किया इन्होंने लेफ्ट पर, वामपंथ के दौर में लिखना शुरू किया वामपंथी विचारधाराओं की तरफ। और अगर आप कहें तो लेफ्ट विंग के अंदर अभी भी उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा जो है माने जाने वाली शख्सियत है, और पूरा उत्तराखंड जानता है कि उत्तराखंड जन आंदोलन के दौरान इनकी बहुत बड़ी भूमिका जो है वह रही थी। लखनऊ में जब इन्होंने काम शुरू किया तो लखनऊ में काम करते करते गीत नाटक वगैरह में इन्होंने काम करना शुरू किया, और 1967 में नाटक प्रभाग के अंदर स्थायी नौकरी इनकी लग गई। और उसके बाद तो लखनऊ आकाशवाणी में आना जाना हो गया, और उसके बाद तो बहुत सारे नाटकों की तरफ चले गए। तो लखनऊ रहने के दौरान इन्होंने बहुत सारे लोग, इन्हें पंत है, फैज है, निराला है, गालिब है, इनको लिखना पढ़ना, इनका अध्ययन करना शुरू किया, अपनी रचनाएं करनी शुरू की। और उसके बाद 1968 में इन्होंने कुमाऊनी के अंदर अपना कविता संग्रह निकाला, जिसमें कुमाऊनी जो कविताएं हैं उनको, बहुत सारी कविताओं को जो है जमा किया गया था, और कविता संग्रह का नाम था शिखरों के स्वर। ये आप याद रखेंगे, शिखरों के स्वर कविता संग्रह जो है वह प्रकाशित किया 1968 में। अलग अलग कुमाऊनी कवियों की कविताएं इसके अंदर रखी गई थी। और इसके बाद तो इन्होंने अपनी कविताएं, अपनी कुमाऊनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। अपनी का मतलब हुआ कि अभी तक ये संग्रह जो है उसकी तरफ थे, और अब अनेक जो है इनकी अपनी कुमाऊनी कविताएं जो है वो शुरू हो गई हैं। खुद से लिखना शुरू किया, फिर कईयों को स्वरबद्ध किया, गाना शुरू किया उन्हें। और उसके साथ साथ क्योंकि ये नाटक वगैरह से जुड़े हुए थे, नाटक प्रभाग के अंदर थे, तो फिर नाटक जो है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना होगा, उसके अलावा अंधा युग, नगाड़े खामोश हैं, ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और एक और नाटक है भारत दुर्दशा, ठीक है, भारतेंदु के नाटक है। ऐसे ही अंधा युग है, नगाड़े खामोश हैं, ऐसे धनुष यज्ञ है, ऐसे कुछ बहुत प्रसिद्ध नाटक जो रहे उनका निर्देशन भी इन्होंने किया। तो अपने आप में एक जानी मानी शख्सियत और बड़ी शख्सियत उस समय तक हो चुके थे, खासकर लिटरेचर, साहित्य, लेखन इस फील्ड में। उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन शुरू होता है 1974 के आसपास से, उत्तराखंड का राज्य आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे आंदोलन जुड़ने लगे, जैसे चिपको आंदोलन जुड़ा, फिर नीलामी विरोध में आंदोलन जुड़ा, शराब आंदोलन जुड़ा, ऐसे बहुत सारे आंदोलन जुड़ते गए। तो इसमें
क्योंकि आंदोलनों के अंदर कविताओं की रचना की गई गिरधा के द्वारा, तो ये बन गए जनकवि। जनकवि का एक नाम आता है नागार्जुन के लिए, और उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनकवि के रूप में जाना जाने लगे गिरधा। इनके जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वह आंदोलनों को एक नई धार, एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने लगी। नीलामी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ एक कविता इन्होंने लिखी और सुनाई, आज हिमालय तुमन के धतोंच, जागो हो जागो मेरा लाल। इस तरीके से कुमाऊनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, इन आंदोलनों को नई धार देने का काम शुरू किया गिरधा ने। उसके बाद तो 1978 का उत्तराखंड आंदोलन हो, 1977 में वन बचाओ आंदोलन हो, 1984 का नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन हो, ऐसे बहुत सारे आंदोलन आए और गिरधा के गीतों ने धूम मचा दी। इन आंदोलनों को असली धार, इन आंदोलनों का पैनापन गिरधा के गीतों से दिखने लगा। एक नई शक्ति, एक नया ऊर्जा, नई ऊर्जा का संचार गिरधा के इन कविताओं ने इन आंदोलनों में किया। 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जनकवि गिरीश तिवारी गिरधा, तो इनके लिए जो नाम आता है वो आता है जनकवि, तो इन्होंने एक गीत लिखा, धरती माता तुम्हार ध्यान जगो, ठीक है, या धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे। यहाँ से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने नई धार पकड़ी और उसके बाद तो इनके गीतों ने धूम मचा दी। इनका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ उस समय, हम लड़ते रहे भुला हम लड़ते रहूं। इस गीत ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को वो धार दी कि जो सोची नहीं जा सकती। यह गीत एक तरीके से जन गीत बन गया उस समय का। उसके अलावा जैता एक दिन था आलू दिन, युद्धुनी में, इस ऐसे बहुत सारे आंदोलनों के दौरान गाए गए गीत जो उस समय उत्तराखंड की आवाज बन गए थे। इन गीतों को लगातार उत्तराखंड में प्रयोग किया गया, उत्तराखंड में जगह जगह इन गीतों का प्रयोग मतलब एक सामान्य सी बात हो गई थी। यह गीत अब गिरधा के गीत नहीं रह गए थे, यह गीत अब जनगीत हो चुके थे। आगे बात करें तो गिरधा या गिरीश चंद तिवारी गिरधा 2010 के अंदर 22 अगस्त 2010 को पेट में अल्सर की वजह से इनकी मौत हो गई और ये हमारे बीच नहीं रहे। तो 22 अगस्त 2010 को इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी बात की जाए गिरीश तिवारी गिरधा जी की, तो इन्होंने बहुत सारी कुमाऊनी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी, पितृभूमि तेरी, जय जयकार मेरे हिमालय, ये आपने गीत उत्तराखंड के अंदर बहुत कॉमनली सुना होगा। इसके अलावा हम लड़ते रहे भुला हम लड़ते रहूं, उसके अलावा वो चैता एक दिन ताल यु दुनिया, उसके बाद उसके अलावा आप देखेंगे धरती माता तुम्हर ध्यान जगो, ठीक है, फिर उसके बाद है एक सारा पानी चूस रहे हो, नदी समुंदर लूट रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने लगभग सारी रचनाएं इनकी यहाँ लिख दी, गले का हार वंदे मातरम, ये हिंदी भावानुवाद इन्होंने किया था। फिर इन्होंने मूल कविता लिखी है गलहार वंदे मातरम, उसके बाद हिंदी में अनुवाद किया इसे छोड़ कहाँ जाएंगे हम, ठीक है, ये हिंदी भावानुवाद है, एल्स इसका पहाड़ी वर्जन या कुमाऊनी वर्जन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर मूल कुमाऊनी कविता है कहाँ झूला एकन छाड़ी, ठीक है, कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर, इस तरीके से। उसके अलावा कैसे कह दूं इन सालों में, या चुनावी रंगे की रंगत है न्यारी, या मोरी कोसी हरेगे कैसी, क्या करें है किसका अधिकार नदी पर, उसके अलावा चुनावी रंग, ऐसी बहुत सारी रचनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे देखिए सियासी उलट बांसी, इस व्यापारी को प्यास बहुत है, ये बहुत कॉमनली गाए जाने वाले गीत हैं। जैता एक दिन तो आएगा, ठीक है, या जैता एक दिन ताल, ठीक है, मेरी बारी युवाओं के नाम, पानी बिन जमीन प्यासी, पहाड़ की याद, जहां न बसता कंधा तोड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा, ठीक है। देखिए मतलब जनताओं से रिलेटेड, जनता से, सामान्य जनता से रिलेटेड कितने अच्छे टॉपिक्स लिखे गए हैं। जहां न बसता गंधा तोड़े, ऐसा हो स्कूल हमारा, पहाड़ी गांव की एक मनमोहक शाम, हाउ पैनिक पिन, उसके अलावा वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा, ऐसी बहुत सारी कविताएं जो है गिरधा की हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एक रचना इनकी उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पूरी की पूरी मैंने डाली हुई है। ये कविता इतनी अच्छी कविता है कि अगर आप इसे पढ़ें तो अपने आप में मतलब ये बहुत ही शानदार कविता है। इसके बारे में अभी जो न्यूज थी अब उसको भी मैंने यहाँ पे रिलेट कर लिया है कि उत्तराखंड में नैनीताल के अंदर जो धीरज गर्बियाल जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहाँ प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12th यानी कि 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए इसको प्रार्थना के रूप में शामिल किया गया है, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि को। तो आप चाहें तो यूट्यूब के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से जो है स्कूलों में प्रेयर के फॉर्म पे भी ये कविता जो है इसको गाया जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो गिरीश तिवारी गिरधा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरीके की ये रचनाएं हैं उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कितनी शानदार सी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो लास्ट में मैं आपको इनकी पूरी की पूरी इस जीवन परिचय के अंदर जो कुछ चीजें हमने ली वो बेसिक्स जो आपको हैं वो याद रखने हैं, जैसे कि ज्वाली, इनका डेट, ब्लॉक, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड याद करेंगे तो भी ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो कविता संग्रह है, जो स्टार्टिंग में इन्होंने कविता संग्रह लिखा था शिखरों के स्वर, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शिखरों के स्वर
ठीक है। उसके अलावा इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा 1968, ठीक है। कुछ नाटक हैं उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 1974 के आंदोलन से लेकर के आपको इनके हर आंदोलन के लिए कुछ एक एक गाना याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब 1974 हो, 77 हो या 84 हो, तीनों आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो ये याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा ये गाने जो है इनके, कविताएं, इनके बारे में तो आपको याद रखना ही है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन गानों को याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये डेट याद रख लीजिएगा। तो बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं, यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि यह उत्तराखंड की वह हस्ती है जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को एक धार दी थी। जो स्टेट आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड का, उसमें इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है बड़ी थी। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो। और कश होली विकास नीति, कश होली व्यवस्था, खाली उत्तराखंड यशो होलो जो राज्य लहरो छी, तो तसो जो उत्तराखंड होलो फिर उत्तराखंड फायदे की भाई। तो कश होलो उत्तराखंड, कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति, कश होली व्यवस्था, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, पूरी बहस करूं लो, हम लड़ते रहा बेणी, हम लड़ते रूं लो, सचनी मराल झुर झुरी जा, झूठनी डोरी पाला, और लिश लाकार बजरी चोर, जानी फोरी पाला, सचनी मराल झुर झुरी जा, झूठनी डोरी पाला, लिश लाकार बजरी चोर, जानी फोरी पाला, जे दिन जाले योशनी है जो, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रहा बेड़ी, हम लड़ते रूलो। तो आप कौन से उत्तराखंड